खबर खुशी से, जहां भोले भाले किसान वर्ग के लोगों ने बेल बाबा डैम या अन्य किसी भी नहर तालाब आदि के पानी को खेती में प्रयोग करने के लिए रुपए लिए वे रुपए वापस किसानों को दे। उक्त बात जारी प्रेस नोट में कुछी विधानसभा के कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र पाटीदार ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के ग्राम कोलगांव में हुई प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार धुलसर ने धमकी देते हुए कहा कि विधायक हनी बघेल 24 घंटे में मुझसे और किसानों से माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। उक्त बात को पलटवार करते हुए पूर्व विधायक प्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता राजेंद्र पाटीदार ने कहा कि जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा बांध का पानी छुड़वाया गया था, तब किसानों को क्यों नहीं बताया कि बांध का पानी नदी में छोड़ा जाएगा, और अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपको पैसे जमा करना होगा। फिर भी जिन जिन किसानों से रुपए लिए हैं और सरकार के खजाने में जमा नहीं किए, या तो रुपए किसानों को वापस करे या सरकारी खजाने में जमा कर रसीद ले। जिस दिन से मैंने इस वसूली को लेकर वीडियो वायरल किया, उस दिन से ये मामला उजागर हुआ। तो खुशी विधायक श्री सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल और खुशी विधानसभा के किसान भाइयों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वीडियो को जल संसाधन विभाग की ओर प्रेषित किया। वही वीडियो प्रेषित होते ही कुछ ही किसानों का कुछ रुपए जमा किया गया, जबकि नवंबर दिसंबर 2022 में रबी की फसल के लिए भी पानी छोड़ा गया था, उसको भी पैसे शासन के खाते में जमा नहीं किए। श्री पाटीदार ने कहा कि उन्हें उनके सूत्रों से पता चला कि रबी की फसल हेतु जिन जिन किसानों ने डैम के पानी का लाभ लिया, उनका रुपए भी बाकी था, वे भी समय सीमा में जमा नहीं किया। और मई और जून 2023 में राजस्व अमले ने सिंचाई के लिए पानी देने की बात को लेकर किसी भी प्रकार की वसूली के लिखित आदेश नहीं दिए, फिर भी भाजपा नेता और मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार द्वारा किसानों से शासन द्वारा वसूली के आदेश का ड्राफ्ट बताकर उसने 1200 रुपए लेने की बात सामने आई है, जबकि निगम ये कहता है कि रुपए हेक्टर के हिसाब से लिया जाता है, जिसका जितना सिंचाई क्षेत्र है उसका उतना पैसा, 1200 का कोई मतलब नहीं होता, और इसकी भी सरकारी अमले द्वारा वसूली की जाती है।